आपको इंटरनेट चलाना है तो जो डिस्ट्रिक्ट में बंद है उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, वहाँ चला पाएंगे आप। बट गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों बंद कर रखा है सर चीज को। तो मेरी कंप्लेंट नोट कर लीजिए सर। कंप्लेंट किस चीज की नोट करूँ सर? हाँ जी आ दीजिए ना कोई सोल्यूशन, मेरी कंप्लेंट नोट कर लीजिए सर। भैया एयरटेल की नोट करूंगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट का वार्निंग दिखा देता है ना सर। आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, कृपया। हाँ जी सर बताइए। अभी आप इंटरनेट की सर्विस जो है सरकार के निर्देश के अनुसार प्रतिबंधित की गई है, क्योंकि अगले समय के लिए बंद की गई है, जो कि अभी तक इसका समय का कोई अपडेट नहीं है। ओके सर। जो कि अनिश्चित काल के लिए है, बट अभी कुछ अपडेट था कि 24 आवर्स में चालू होने की संभावना, बट ये सर यदि नहीं हो पाता है तो समय आगे कंटिन्यूसली बढ़ जाएगा। ओके। जब भी ये चालू होगा तो इसकी जानकारी हम आपको बिल्कुल सूचित कर देंगे सर। जी जी। अच्छा सर मैं ये कह रहा हूँ, मान लीजिए 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, नेट बंद रहेगा, तो आप एयरटेल से हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा फिर बाद में 2 दिन? जैसे 56 डेज का मेरा जैसे प्लान मैंने रिचार्ज कराया था तो उसमें 2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ेंगे? ये तो नेट यूज हुए बिना मेरे तो पैसे लग गए। बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। आपका जो प्लान है प्रीपेड प्लान है, आप इसको यूजेस ले या अथवा ना ले, डेली आपका प्लान जो अपडेट हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, आप यूजेस नहीं करेंगे। वो तो मान गया, लेकिन इसके खिलाफ कंप्लेंट कराना चाहे तो कैसे करा सकते हैं? बिल्कुल आप इसकी कंप्लेंट आप कर सकते हैं। जी मैं वही कह रहा हूँ, मैं मेरी कंप्लेंट नोट कर लीजिए सर। और आपकी कंप्लेंट सर किस वजह से नोट कर ले बताइए? देखिए एयरटेल तो आपको नेट दिया रहा ना, एयरटेल ने आपको मना नहीं किया। सर मैं ये कह रहा हूँ आपके पास एयरटेल ने नेट दिया है, बट आप उसका यूजेस नहीं कर पा रहे। यूजेस क्यों नहीं कर पा रहे? सोल्यूशन बताइए ना सर, मैं कैसे यूज कर सकते हैं? बता रहा हूँ ना, इस क्षेत्र में इंटरनेट सर्विस यूजेस नहीं कर पाएंगे। आपको इंटरनेट चलाना है तो जो डिस्ट्रिक्ट में बंद है उस डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, वहाँ चला पाएंगे। oh, no. तो बताइए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बंद है ये बता दीजिए मुझे। हाँ बिल्कुल, यमुनानगर, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, पानीपत, हिसार, भिंड, रोहतक, भिवानी, चरखी दादरी, रेवाड़ी, फतेहाबाद, सिरसा, सोनीपत, झज्जर और पलवल। ये तो सारे काउंट करा दिया आपने सर। हाँ यहाँ पे बंद है, इस क्षेत्र को छोड़ पंजाब पे जाएगा, हरियाणा पंजाब पास में। अच्छा तो नहीं आप ये बताइए ना सर कि इसका कोई सोल्यूशन तो बताइए सर, कंप्लेंट तो कर सके इसके भी आपने कुछ। सर कंप्लेंट किस बात की होती है? वही तो खाना, वही आप वाली बात है सर। एयरटेल ने आपको सर्विस दी है, एयरटेल मना नहीं कर रहा, एयरटेल ने आपको सर्विस दे रही है, एयरटेल ने आपको डेटा दिया, सब कुछ दे रहा है। अभी नाइट 12 बजे फिर आपको जो डेटा था वो आपको प्राप्त हो जाएगा। नहीं तो डाटा में कम से कम इतना तो दे पूरा आपको दिया है जी, यूज तो नहीं कर पा रहे सर। तो उस एरिया में प्रतिबंधित है ना सर, सरकार के निर्देश के अकॉर्डिंग। अच्छा ये भी तो समझिए ना सर, वहाँ पे बंद इसलिए यूजर्स नहीं कर पा रहे। आपका कॉल वेट टाइम 5 मिनट है, आपकी कॉल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बताइए सर क्या सहायता चाह रहे हैं? सर नेट कब चलेगा? हरियाणा से बात कर रहे हैं आप? हाँ जी सर हरियाणा से बोल रहा हूँ। जी सर बताना चाहेंगे? देखिए सर हरियाणा में कोई भी अभी निश्चित समय अपडेट नहीं हुआ है, जो भी निश्चित समय अपडेट होगा वो आपको उचित माध्यम से इन्फॉर्म करा दिया जाएगा। अभी वहाँ पर जो है वायरिंग रिमूव नहीं हुई है, वायरिंग लगा हुआ है इंटरनेट पर वहाँ पर। जी सर मैंने 2 दिन पहले कॉल किया था तो मुझे बोला था कि सर आपका 24 आवर में ठीक हो जाएगा नेट। आपको बताना चाहिए देखिए कल भी 5 बजे तक का समय दिया गया था और आज भी 5 बजे तक गवर्नमेंट ने समय जो है अपडेट किया था, न्यूज चैनल पर ही अपडेट किया था, बट इसको गवर्नमेंट ही रिमूव करेगी वायरिंग को। ठीक है तो वहाँ से रिमूव नहीं किया गया अभी तक। भाई साहब मेरे को ये बता दे यार, 5 बजे तक का बोला था, कल भी बोला 5 बजे तक, आज भी 5 बज गए, इसलिए 5 बजे के बाद फोन मिला रहा हूँ मैं। 5:42 हो चुके हैं, बता दीजिए यार कब तक चलेगा नेट? अभी हमारे पास देखिए 10 फर्दर नोटिस आ रहा है सर, यानी कि जो भी अगला निर्देश होगा तब इंटरनेट चलेगा। अभी तो बंद कर रखा है ये तो बता दो सर। ये हरियाणा में सर कुछ इशू की वजह से बंद कर रखा है। ठीक है वैसे मैं एग्री करता हूँ सबका बंद है सर, बट गवर्नमेंट ने पता नहीं क्यों बंद कर रखा है सर चीज को। तो मेरी कंप्लेंट नोट कर लीजिए सर। कंप्लेंट किस चीज की नोट करूँ सर? हाँ जी कंप्लेंट किस चीज की नोट करूँ मैं सर? से बात कर लो, मेरे को नेट नहीं मिल रहा इसलिए कंप्लेंट नोट कर लीजिए ना सर। अभी पूरे हरियाणा में किसी को भी नहीं मिल रहा सर।
मैं ये कह रहा हूँ कंप्लेंट तो नोट कर लीजिए। अच्छा मेरे को सर मैं यहाँ कंपनी की तरफ, अच्छा सर 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 कंपनी की तरफ से कुछ बेनिफिट दिला दीजिए, फिर दो दिन जितने दिन हमारा नेट खराब हुआ है, नेट हम यूज नहीं कर पाए, उतना एक्स्ट्रा दिलवा दीजिए। सर कंपनी तो आपको सर्विस दे रही है, आप हरियाणा से बाहर निकलेंगे इंटरनेट चलने लगेगा, बट हरियाणा में जो है गवर्नमेंट ने अपने जैमर लगा दिए जिसकी वजह से आपको इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। जैमर लगा रखी है कर रखे हैं। हाँ जी सर, सर बताना चाहेंगे साइट के पास में जैमर ही अपडेट किया जाता है तभी नहीं चलता है। कूलर की छत पे तोड़ के आसनी जाती है कूलर की छत पे। अच्छा भाई साहब तो उसके सोल्यूशन तो बता दीजिए भाई, कब तक वेट करें? देखिए फिलहाल जो भी अपडेट आती है हम आपको उचित माध्यम से इन्फॉर्म करा देंगे, परेशान ना हो आप। यहाँ पर अभी कोई भाई साहब मैंने यार कसम से नया फोन लिया था भाई, मेरे तो यार नए फोन में ना ऐप भी डाउनलोड नहीं कर पा रहा मैं तो, यार डब्बा बना दिया मेरा फोन का, डब्बा बना दिया आप लोगों ने यार। यार सच्ची यार तू मुझसे एक जानकारी को बार बार दोहराते रहेंगे तो मेरे हैंड में तो है नहीं सर। मैं बता दीजिए ना कोई सोल्यूशन, मेरी कंप्लेंट नोट कर लीजिए सर। एयरटेल की नोट करूंगा तो यहाँ पर गवर्नमेंट का वार्निंग दिखा देता है ना सर, कंप्लेंट भी तभी नोट होगी जब वहाँ पर सर्विस चल रही होगी और आपको नहीं मिल पा रही है, बट यहाँ पर तो किसी का नहीं चल रहा ना, तो कंप्लेंट भी किस चीज पर मैं देख करूंगा, वो तो रिजेक्ट कर दी जाएगी ना सर। तो कोई सोल्यूशन नहीं है सर, इसका कोई अपडेट नहीं है, जब अपडेट आता है वो हम आपको उचित माध्यम से इन्फॉर्म करा देंगे, वेट कर लीजिएगा थोड़ा सा। अच्छा अच्छा ये बता दीजिए सर मेरे को अपना एयरटेल जो इसी नंबर से मेरी एयरटेल डीटीएच चल रहा है उसका रिचार्ज करना है, कैसे करूँ? उसके लिए मैं आपकी कॉल डीटीएच में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ वहाँ पर। नहीं 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 नहीं, अरे सर नेट चल ही नहीं रहा तो रिचार्ज कैसे होगा डीटीएच में? क्यों कर रहे हो सर इसमें, मैं आपके हम यहाँ से कोई हेल्प नहीं कर सकता ना जब इंटरनेट ही नहीं चल रहा था। वही तो कह रहा हूँ ना, तो मेरा नेट रिचार्ज हो पा रहा है कोई भी, ना कोई ट्रांजेक्शन हो पा रही है पेमेंट की। नोटपैड के बाद तो वही है ना, अब इस चीज को बार बार दोहराने से कोई फायदा नहीं है, जब हमारे एंड में होता तो मैं भी आपका चला देता, आप मुझे भी अच्छा थोड़ी लग रहा आपसे बार बार कहलवाना। अच्छा जी, इसका मतलब कोई सोल्यूशन नहीं है सर। ओके सर ठीक है, आप बाकी आपके यहाँ तो भीड़ लग गई होगी सर फोनों की। जी सर